हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, जिसको कि पहले हम मोटेरा गुजरात के नाम से जानते थे, इस पिच का अपडेटेड प्रीव्यू करेंगे। यहां पर जैसा कि आपको पता होगा, आईपीएल 2023 के सीजन के दौरान गुजरात टाइटन अपने होम ग्राउंड के सभी 7 मुकाबले खेलनी थी, जिनमें से 3 मुकाबले अब हो चुके हैं और 4 मुकाबले अभी भी इस वेन्यू पर होने बाकी हैं। तो इस वीडियो में हम पिछले 3 मुकाबलों के अपडेट के साथ साथ और अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो आगे के 4 महत्वपूर्ण मुकाबले होने हैं इस आईपीएल 2023 के दौरान, उसमें हम क्या एक्सपेक्टेशन के साथ जा सकते हैं, कैसी पिच होती जा रही है, स्टैट्स और इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन ऑन कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बात करें अगर हम यहां के पिच की, तो ये पिच काफी हद तक बल्लेबाजों के अनुकूल देखने को अभी भी मिल रही है। हालांकि ये बिल्कुल पाटा पिच नहीं है, यहां पर गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी बहुत असिस्टेंस है, लेकिन यहां पर अच्छी बैटिंग हो रही है। अमूमन दोस्तों 170 प्लस का योग जब बन रहा है तो सीधी सी बात है यहां पर अच्छे स्कोर बन रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो पहला मुकाबला हुआ था इस आईपीएल 2023 के सीजन का, तो यहाँ का ये शुरुआती मुकाबला था, ओपनिंग मैच था इस आईपीएल 2023 का, जब गुजरात टाइटन और सीएसके की टीम 31 मार्च को आईपीएल 2023 के पहले मुकाबले में यहाँ पर टकराई थी और पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार 92 रनों की इनिंग के बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए और इसमें मोइन अली ने भी 23 रनों की एक छोटी लेकिन आकर्षक इनिंग खेली। तो वहीं पर गुजरात की गेंदबाजी में मोहम्मद समी, अलजारी जोसेफ और राशिद खान को 2-2 विकेट मिले, जबकि जोशुआ लिटिल के नाम 1 विकेट आया। जवाब में गुजरात टाइटन की टीम 19.2 ओवर में ये स्कोर चेज करते हुए 5 विकेट पर 182 बना लिया। इसमें शुभमान गिल के शानदार 63 रन, तो वहीं पर रिद्धिमान साहा के उपयोगी 25 रन थे। वहीं पर अंतिम में विजय शंकर ने भी 21 गेंदों पर 27 रन की एक डिफाइनिंग इनिंग खेली और मुकाबला गुजरात ने जीत लिया। तो यहां पर चेन्नई की गेंदबाजी में राजवर्धन हंगर जेकर ने 3 विकेट लिए, जबकि तुषार देशपांडे और रविंद्र जडेजा के नाम 1-1 विकेट आया। इस पूरे मुकाबले में कुल मिला के 12 विकेट गिरे, जिसमें तेज गेंदबाजों के नाम 9 तो स्पिन गेंदबाजों के नाम केवल 3 विकेट आए। गुजरात टाइटन ने आसानी से यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा इनकाउंटर इस वेन्यू पे हमें इस आईपीएल 2023 में देखने को मिला, ये 9 अप्रैल का दिन था, जब गुजरात टाइटन के सामने केकेआर की टीम थी और ये मुकाबला पूरे क्रिकेट इतिहास में एक लंबे समय तक याद रखा जाने वाला मुकाबला बन गया, जहां पर गुजरात टाइटन और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला हुआ था। गुजरात टाइटन ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 204 रन बनाए, जिसमें शुभमान गिल ने 39 रन बनाए, साई सुदर्शन ने एक शानदार 50 बनाई थी 24 गेंदों पर 53 रन, तो वहीं पर विजय शंकर, जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, मात्र 24 गेंदों में अंतिम ओवरों में 63 रन की एक शानदार धमाकेदार इनिंग खेल डाली। यहाँ पर केकेआर के लिए सुनील नारायण के नाम 3 विकेट आए तो सुरेश शर्मा ने 1 विकेट लिए। जवाब में जब कोलकाता नाइट राइडर बैटिंग करने उतरी तो यहाँ पर कई सारे उलटफेर देखने को मिले। पहले इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों पर 83 रन की एक जोरदार इनिंग खेली, तो वहीं कैप्टन नीतीश राणा ने भी 29 गेंदों पर 45 रन की एक शानदार इनिंग खेली। लेकिन इसी दौरान राशिद खान की हैट्रिक ने मुकाबला गुजरात की ओर मोड़ दिया। केकेआर बैकफुट पर आई ही थी, लेकिन आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह के लगातार 5 सिक्सेस की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर ने अंतिम गेंद पर ये मुकाबला इनक्रेडिबल ढंग से 3 विकेट से जीत लिया। तो वहीं पर दोस्तों, यहां का जो आखिरी मुकाबला हमको देखने को मिला था, ये मुकाबला खेला गया था गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जबकि गुजरात टाइटन ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 177 रन बनाए। इसमें गिल के 45, सुदर्शन के 20, हार्दिक पांड्या के 28, डेविड मिलर के 46 छोटी छोटी लेकिन उपयोगी इनिंग्स हमको देखने को मिली। तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के लिए संदीप शर्मा के 2 विकेट, जबकि ट्रेंट बोल्ट, एडम जंपा और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाजों के 1-1 विकेट अहम थे, 2 विकेट रन आउट हुए। तो जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 4 गेंद पहले ही ये स्कोर चेज करके 179 बना लिया 7 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ओपनिंग बेहद ख़राब रही, यशस्वी जायसवाल 1 और जोस बटलर 0 पर आउट हुए। इसके बाद पेडिकल ने 26 रन की एक ठीक ठाक इनिंग खेली। इसके बाद कैप्टन संजू सैमसन ने 32 गेंदों में 60 रन बनाए, तो वहीं पर सिमरन हेटमेयर अंतिम ओवरों में
मात्र 26 गेंदों पर 56 रन बना के ये मुकाबला जिता दिया राजस्थान को। गुजरात के लिए समी ने 3 विकेट लिए, राशिद खान के नाम आए 2 विकेट, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या के नाम 1, जबकि अफगानी स्पिनर नूर अहमद के नाम भी 1 विकेट आया। इस पूरे मुकाबले में 14 विकेट गिरे, जिनमें 7 विकेट तेज गेंदबाजी के नाम, तो वहीं पर 5 विकेट स्पिन गेंदबाजी के नाम आए, 2 विकेट रन आउट के रूप में आउट हुए। दोस्तों कुल मिला के अब ये पिच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है थोड़ा सा स्पिनर्स को भी मदद दे रही है, वैसे कुल मिला के अभी भी बैटिंग साइड की ये पिच ठीक ठाक लग रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।